सोनू जो लगातार बिहार में वायरल हो रहा है, कभी चाय वाली वायरल हुई, कभी सोनू वायरल हो रहा है, तो कभी सीमा वायरल हो रही है। आज हम लोग सोनू पे बात करेंगे। नालंदा हमारे रविकांत जी गए थे, उन्होंने देखा कैसे उनका रहन सहन है सोनू का। सोनू जो अब वीडियो बनाने लगे हैं, यूट्यूबर हो चुके हैं, कभी IAS बन रहे थे और यूट्यूबर बन चुके हैं। कई लोगों को कई नेता अभिनेता सब लोग उन्हें बोले कि यहाँ नाम लिखवा लीजिए, वहाँ नाम लिखवा लीजिए। उन्होंने कहीं अभी तक ये बात तो नहीं बोला है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब वो गोल मटोल बात कर रहे हैं, जैसे उन्हीं के गृह जिला के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोला करते हैं और उन्हीं के नक्शा कदम पर वो भी अब चलने लगे हैं। पहले तो रविकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जगास भारत पे। जी आपका अभी एक्सपोज कर दिया है। पहले तो सोनू क्या मैटर है और क्यों लगातार ये वायरल होते जा रहा है? देखिए, सोनू ने जिस हिम्मत की कह सकते हैं कि हिम्मत की वहाँ पर ज़रूरत दिखाई, जो शायद बिहार के कोई भी बच्चा इस प्रकार से आज तक नीतीश कुमार के सामने आकर के, या कोई भी आदमी का कभी हिम्मत कैसे हो भाई, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी 4 टर्म का, और उनके सामने एकदम डट गया, तो वायरल होना तय था। और उसके बाद से लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, सोचिए कि BPSC का बहुत बड़ा मुद्दा था, वह पीछे छूट गया, सोनू इतना वायरल हो गया, मगर उसने बिहार के उन स्कूलों का, आपने अभी BPSC की बात की, हो सकता है नीतीश कुमार का प्री प्लान्ड था कि BPSC का मुद्दा उठ रहा है, उसको दबा दिया जाए, सोनू को वायरल कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, ये एक कयास है और इस कयास पे अब हम जैसे लोग क्या बोलेंगे कि नीतीश जी कराए हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि ये इतना प्री प्लान्ड अगर कोई करता है तब तो ये फिर ऊपर वाला बात हो गया भाई, कि BPSC के दबाने के लिए ये खबर वो खबर ये खबर, मगर फिर भी मैं भी वो एक जांच का विषय है। मगर हम लोग सवाल पे रहें कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा का जगत जो उजागर हो रहा था, सोनू उसका जो हीरो बन रहा था, वह लगातार जिस प्रकार से जो सोशल साइट्स जो इतने सारे बन गए, सभी गए अलग अलग ढंग से सवाल किए, बच्चे में एक इरिटेशन वाली भी भूमिका आई, मगर जब उसके सवालों पर सवाल किया गया कि एडमिशन क्यों नहीं ले रहा, तो उसका सवाल सुनना अधिक क्या था, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे, हम अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे, ये उसका मकसद था। और यहीं तक अगर वो रहता तो अब तक उस पर बहुत कुछ चीज़ें चल जाती। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी गए थे, बहुत अच्छा ऑफर रखे थे कि आप तब तक इस स्कूल में पढ़ लीजिए, प्राइवेट स्कूल का नाम लिए थे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का, उसके बाद आप नवोदय और इसका नवोदय सैनिक स्कूल और सिमरतुल्ला किसी के बाबूजी का नहीं ना है जी। अब कोई कहेगा हमको IIT में पढ़ना है, तो IIT में पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में निकलना पड़ेगा, एक सिस्टम के तहत कोई जाता है। हमको IAS बनना है, इस देश में 90% बच्चों को IAS बनना है, बना दीजिए IAS बन जाएगा, मगर एक उसका PT होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, आपको पहले पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं हमको एडमिशन, इस तरह से बातें नहीं होती है। वो बच्चा है, उसको जो लोग समझा रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदा के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे RK सिन्हा, पप्पू यादव वहाँ समझा रहे थे कि तुमको जहाँ भी पढ़ना है, रहमान सर, खान सर, सोनू सूद प्राइवेट स्कूल का नाम लिए, नहीं वो तो ये ऐसे है वैसे, ये भाग भंगिमा किसको दिखा रहे हो और किसको बना रहे हो? यहाँ लोग ऐसा नहीं है, तुमको वायरल हुए, तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको हाथ में पकड़ो और आगे बढ़ो। IAS डायरेक्ट नहीं बना जाता है, उसके प्रक्रिया है। अब कोई कहे कि हम 5 साल के हैं, ऐके तुरा हम पैदा लेते ही हम PhD कर लें, कोई 5 साल में कहे कि हम तो PhD करेंगे, ये कोई ये चीज़ ठीक बात नहीं है। आपको IAS बनना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिहार में लाखों बच्चे ऐसे होंगे आदित्य, आप भी कवरेज में मेरे साथ गए हैं, हम तो लगातार रहती, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको IAS बनना है, तो भाई अब वो डिमांड कर दे नीतीश कुमार के सामने। मैं तो कई अधिकारियों का इंटरव्यू भी करता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप करते रहें, तो आपको तो ये बातें समझ में पता ही है और तमाम बातें भी पता होगी कि किस प्रकार से प्रक्रिया के तहत गुजरनी पड़ती है सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना। आर के सिन्हा वहाँ पर बैठ कर बोल रहे थे, वो बिहार के एक जाने माने हस्ती हैं, टॉप 5 रिच लोग में आते हैं, वो बिहार के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, ये तमाम बातें, उसको इन अपॉर्चुनिटियों को वो समझ नहीं पा रहा है कि हमको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, हम तय करेंगे तुम कौन होते हो, होते कौन हो, हमको मीडिया वाले तुमको बदनाम क्या। सोनू को लगातार ऑफर मिलने कारण उसको लग रहा है कि और ज़्यादा ऑफर मिल जाएगा, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है क्या? इच्छा और महत्वाकांक्षा, ये दोनों चीज़ों पर इंसान को काबू रखना चाहिए।
जो चीज़ें बहुत तेज़ी से चढ़ती है उसे उतरते देर नहीं लगती है, जो चीज़ें धैर्य साहस और सामर्थ्य और सज्जनता से खड़ी होती है उसको गिराने में वक्त लगता है, वो इन तमाम चीज़ों को भूल गया। और उसे अभी भी अगर सद्बुद्धि दे भगवान तो उससे हाथ जोड़कर विनती है कि वो एडमिशन ले ले। और वो कहता है कि टीआरपी, अब उसको एक कोई कैमरा दे दिए हैं जनाब को, अब एक ब्लॉग बना दिए, वो डीएसएलआर कैमरा है। अब बताइए ना कि अच्छा अच्छा मीडिया वाला को नहीं हाथ लगा, मगर वो इन अपॉर्चुनिटियों को भूल गया। अब उसके जो रिश्तेदार नए नए आ रहे हैं, आपके अनुसार क्या करना चाहिए सोनू को अब? स्कूल में उसको एडमिशन लेना चाहिए, और जिस बदतमीजी के साथ कई बार वो बात करता है वो तरीका नहीं। हो सकता है कि इतने सारे मीडिया आ रहे हैं तो आप इरिटेट हो रहे हैं, ये भी बात है, किसी को उससे बदतमीजी से भी नहीं बात करना चाहिए, मगर जब वो बदतमीजी से बात करेगा तो उससे तो कोई हाथ जोड़ कर। कई मीडिया के लोगों ने ये भी कहा है कि वो गाली गलौज तक कर रहा है सोनू। बिल्कुल, जिस प्रकार से वीडियो उसके आ रहे हैं उसको देखिए, अब रोज़ तीन तीन चार चार घंटा मीडिया को हैंडल करना बड़ा बड़ा नेता नहीं कर पाते हैं, और वो कर रहा है, जो उससे करवा रहा है वो कितना बेशर्म है, बेशर्मी की हद पार कर गया। क्या आप चाचा, उनके चाचा जी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जो भी लोग हैं, चाचा जी कैसे, और भी लोग होंगे। और जिस प्रकार से पहले समझो, पाँच दिन में पाँच मुद्दा बना सोनू पे, सोनू का आईटीआई है, सोनू का 12 बीघा ज़मीन है, सोनू के पास ही है उसके दादा दादी। अरे भाई अभी और रुको ना, अभी और खुलेगा। कैसे होता है, प्याज को छिलते जाओ, क्या मिला? कुछ नहीं, छिला जाएगा पूरा। उसी प्रकार से वो खुद को बना लिया। तुमको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि तुम इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, सुशील मोदी ने कितना अच्छा ऑफर दिया, पप्पू यादव ने भी किया, चिराग पासवान ने भी किया, अगर उनके पास टैलेंट है, कई नेताओं ने पैसे भी दिए हैं, तो वो बुक किताब सब कुछ खरीदे और वो हासिल करे वो जो चीज़ उनको चाहिए। फॉर्म भरे ना भाई सैनिक स्कूल का, नवोदय का, सीमतुल्ला का, किसको नहीं पढ़ने का मन करता है? अब बच्चे वहीं से जाते हैं ना भाई। बिल्कुल, वहीं से। तो अब आईएएस बनने का जरूरी है कि सैनिक स्कूल में? अब उससे अगर तुम पूछ दोगे ना आदित्य, नवोदय कभी ले चलेंगे या कभी जाना पड़ेगा, तो उसे पूछ दो खाली कि एडमिशन कहाँ ले रहे हो, चिढ़िया जाएगा, हम तय करके बताएं। अरे तय करके, तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो बौरा गए हो, सीधे ठेठ भाषा में अगर कहिए तो उसको कोई बताए कि बाबू रे बउआ रे तुम एडमिशन ले लो, 15 दिन जो तुम्हारा बर्बाद हुआ, एक पढ़ने वाले आईएएस बनने वाले लड़का के लिए 15 दिन कितना कीमती होता है उसको अभी नहीं पता चल रहा है, वो वायरल हो रहा है, लोग देखने वाले लोग। और वीडियो बना रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, और बोल रहा है बच्चों को हम पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो पढ़ाए ना भाई, पढ़ाने के लिए तो उसको भाई हम लोग उसको कितना तारीफ किए, एक बच्चा ने इतना साहस दिखाया, ये वो दिन भर उसका तारीफ में जुटल थे, तीन चार दिन भर तो सब। मगर मीडिया को भी सोचना होगा कि एक सूचना देने का आप केंद्र हैं, आप उसमें किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा मत घुस जाइए कि एकदम धीरे अथिये कर दीजिए, एक ही सवाल को एक ही। तो ये भी एक बात है कि उसका उम्र अभी कम है, ये भी बात, तो उम्र कम है तो समझना चाहिए ना, बाबा बन गया बच्चे में, अब पढ़े। मैं भी सरकारी संस्था से पढ़ रहा हूँ, इंटर हमने किया, ग्रेजुएशन अभी मैं कर रहा हूँ, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी संस्था से पढ़ रहे हो, वही स्कूल वही विद्यालय ने उसको ये बोलने का हुनर दिया और पढ़ाया बताया कि वो अब सरकार से सवाल कर रहा है ना। बिल्कुल, देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं, ये बातें नीतीश जी भी जानते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हुए सुशील मोदी भी गए, जबकि यहाँ लगभग एक दशक से ज़्यादा समय उप मुख्यमंत्री रहे, तो उनको पता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। पहले क्लासरूम नहीं थे, अब वो हैं, शिक्षक नहीं थे उतना अनुपात में, आज भी नहीं है, 2 लाख से ऊपर सीटें खाली है, तो ये तमाम चीज़ें बिहार ऐसे ही इसकी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, तो भाई बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। ये बातें सही है कि सोनू ने उजागर किया, मगर उसको एडमिशन लेना चाहिए ना, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके झंडा बैनर लेके अच्छा खासा बात बनाइए करता है, नेता सब तो बात बनावे में माहिर होता है, तो माहिर होता है तो तुम भी करो। क्या लगता है, तुमको मीडिया मिलेगा? अभी राज्यसभा चुनाव की हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, क्या राज्यसभा चुनाव के मुद्दा के सामने अब सोनू का मुद्दा दब के रह जाएगा क्या? नहीं, सोनू और भी रानू मंडल, एगो बाबा की ढावा, और भी सिंगर, और भी तमाम लोग, तमाम मुद्दे, हर सप्ताह ये बदलते हैं। अगर जो उस सप्ताह को भुना लिया, कन्हैया कुमार ने भी भुनाया था, एक सप्ताह तक उनका चला था, उसके बाद फिर तो उसमें उनमें डीपेस्ट था, तो कन्हैया कुमार ने तो बोला कि हमको तो भाजपा वाले विचार परिवार के लोग ने वायरल किया और इसी कारण हम नेता बन पाए, नहीं तो हमको कोई देखने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था। कई जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष आए और आज भी काम कर रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल, जो अथाह समृद्धि कन्हैया को मिला सोशल मीडिया से और ये तमाम चीज़ों से, उसके लिए वो एबीपी को बार बार धन्यवाद। अभी हम
अभी हम लोग ने देखा सीमा का एक पैर पे विद्यालय जा रही थी और उनका पैर लग गया, तो क्या सोनू को उनसे सीखना चाहिए क्या? सोनू को सीखना ही नहीं चाहिए, अनुसरण और अनुकरण दोनों करना चाहिए। आप चालबाज इतना ज़्यादा मत बन जाइए कि सारी चालबाजियाँ आपके सामने फेल हो जाएं। जिसने आपको स्टार बनाया उसको तो बकचिए। आप सभी को ठीक है, आप इस शुरू में ही कह देते कि हम मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, हमने अपनी बातें नीतीश कुमार तक पहुंचा दी है, मगर आपको तो TRP मिल रहा था, आपको कुछ पैसे आने लगे तो आप और बढ़ चढ़ के बोलने लगे न जाने सरकार पर और तम, मतलब आप खुद को इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन समझने लगे, इंस्टीट्यूशन की मांग करते करते। वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस देश में सदियों तक लड़ा गया है, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी उम्र की गलती है, उसके आसपास जो हैं वो सद्बुद्धि वाले लोग रहें। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, आप भी नालंदा से ताल्लुकात रखते हैं, नालंदा में कई लोग बोलते हैं, खड़े हैं जन्मे हुए ताल्लुकात, नालंदा के लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी डेवलप कर दिए नीतीश कुमार जी, और उन्हीं के जिला में और कोई बच्चा निकल के आता है और शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये तो बताने के लिए है ना कि वहाँ पे काम नहीं हो पाया। बिल्कुल, नालंदा में भी काम नहीं हो पाया। हम अगर जब स्टार्टिंग किए थे झकास भारत के लेकर तो हम भी गए थे स्कूलों में, मगर वो तमाम चीज़ें मतलब वायरल होने से कोई बातें पहुँची मैं वो नहीं मानता हूँ। आपने उन बातों को उठाया तो कहीं पे छत गिरा हुआ था, नालंदा का ही बात बता रहे हैं, हरनौते विधानसभा क्षेत्र का जो नीतीश कुमार का जहाँ से जीते थे पहली बार विधायक 1985 में, तो वहाँ पर भी तो काम नहीं है हुआ है। कई ऐसा स्कूल है, आप शिक्षक तो नहीं बदल दीजिएगा, जैसे कोई शिक्षक है इंग्लिश के शिक्षक है, जैसे कोई हिंदी कोई और अलग शिक्षक कोई इंग्लिश के सवाल ना जाने, मगर कोई इंग्लिश के तो शिक्षक हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे हम लोग नहीं बोल पाएंगे तो ये एक बात हुआ, मगर इंग्लिश पढ़ाने वाले इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? ये तो सरकार की पोल खोल रहे हैं। और साथ ही उस स्कूल में बेंच वगैरह और भी तमाम चीज़ें जो नहीं थी, इन तमाम चीज़ों पर जिस प्रकार से पोल खुल रही थी तो ये भी एक विषय है। और नीतीश कुमार का ही पोल खुल रहा है, और तमाम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं सुनियोजित ढंग से भी सोनू से करवा रहे थे, मगर अब उन्हीं का पोल खुल गया। मगर मीडिया कर्मियों की भी उनकी उम्र को देखना चाहिए, मगर जिस हिसाब से बाबा की तरह बोलता है उस हिसाब से उसका उम्र कह सकते हैं कि मैच्योरनेस, जिस हिसाब से बात रखता है तो मैच्योर वाला है, मगर मीडिया कर्मियों को अब सूझबूझ दिखाना चाहिए कि उसका उम्र पे थोड़ा सा तरस खा जाए। आप क्या बोलिएगा, आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं सोनू के? सोनू पे स्कूल में एडमिशन ले ले वो भैया, न तो ऊकर बर्बाद है जिंदगी, आधा तो बर्बाद वो खुद कर लिया। जैसे कि कोई बच्चा को न मिल जाता है कोई अति उत्साहित वाला चीज, अकबका जाना देहाती में बोले थे, पैसा न हो अथवा पैसा मिल जाए तो अकबका जाता उसी तरह। हाँ ये बात सही बोले, मगर घमंड नहीं दिखाया कभी, जब नॉर्मल होता है तो सारी बातें बताता है, मगर जब सामने से जब सवाल होने लगता है ना तो उस सब कभी फेस नहीं किया कि हम इतना बड़ा स्टार बन जाएंगे। ये वो कोई होता है कि अब जो पैसा नहीं देखा है, पैसा आया नया नया तो निकरा गया, नया नया चीज़ देख के निकरा, तो उसके पास भी वही हुआ। तो चलिए हम लोग यहीं पर वार्तालाप को समाप्त करते हैं। मेरा नाम आदित्य है, झकास भारत देख रहे थे, धन्यवाद।